हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार दो दिन पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 30-31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक बारिश व बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। 31 जनवरी को लेकर मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में अब पहाड़ तपने एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान बढ़कर 5.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सुंदरनगर में 2 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 1.6 है, कल्पा में -2 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 5.2 है, ऊना में 3.4 है, नाहन में 7.1 है, पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 2.4 है, मनाली में 1.7 है, कांगड़ा में 6.8 है, मंडी में 2.5, बिलासपुर में 4.4, हमीरपुर में 3.5, डलहौजी में 2.7, जुबड़हट्टी में 7.3, कुफरी में 4.4, मनारकंडा का न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। भरमौर में 4.5 है, रिकांगपिओ में 0.4 है, सेवबाग में 0.5, धौलाकुआ में 5.2, बरठी में 2.6 और समदो में -3.9 और कुकुमसेरी में -6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है।